हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमने परमेय सारी पढ़ ली है, चैप्टर नंबर 6 के टोटल जितने भी परमेय थे, जितने भी थ्योरम थे, 9 थ्योरम वो अपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, और एक्सरसाइज 6.4 तक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 और 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, स्टार्ट करने से पहले अपन एक दो बात कर लेते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे आते हैं कि सर हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताइएगा चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 7। अब देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक बार आपको अच्छे से पूरे चैप्टर पढ़ने हैं और टोटल क्वेश्चन करने हैं, अच्छे से करने हैं, जितना हार्ड नहीं है जितना आप मानते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, चलो ये मान लेते हैं कि कई स्टूडेंट होते हैं जो 5-4% होते हैं, जिसको ये मानना होता है कि हमें 10वीं पास करनी है कैसे भी करके, बाद में अपन पढ़ाई छोड़ेंगे, तो वो तो अलग बात है, उसकी तो अलग बात है। लेकिन 95% बच्चे 11वीं करेंगे, 12वीं यानी 11th 12th और आगे कॉलेज में जाएंगे। तो अगर आपको कुछ सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है अपने जीवन में, तो आपको 10वीं में इस प्रकार से कोई 5 क्वेश्चन पढ़ के पास नहीं होना है, और कोई नहीं हो सकता पास, होगा नहीं। 5 क्वेश्चन पढ़ेगा या प्रत्येक चैप्टर में से 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। टोटल आपको अच्छे से पहले सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला था मैं लास्ट में जाके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और वो भी एक दो नहीं बताने वाला। जैसे आपके 15 चैप्टर हैं तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि 15-20 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा आप पास हो जाएंगे, नहीं। लगभग 150 क्वेश्चन उसमें से भी निकलेंगे, लगभग 150-200 क्वेश्चन बताएंगे, तब जाके ये मानते हैं कि उसमें से आधे क्वेश्चन या उसमें से 30-40% क्वेश्चन आएंगे। और वैसे अगर आप पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, प्रत्येक चैप्टर के टोटल क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे कमेंट इस प्रकार से भी आते हैं कि सर हमारी हेल्प कीजिएगा, आपके अकाउंट में अपन पास होने के बाद में 1000 रुपये डाल देंगे, 2000 रुपये, बस हमें 2000, 1000, 1 रुपये की आवश्यकता नहीं है। हमने निःशुल्क ये बेंच स्टार्ट कर रखा है और निःशुल्क ही पढ़ाएंगे। जब तक आपका सिलेबस है, आगे की बात है, 11th 12th की आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो जब तक मेरा आइडिया है, मैंने अभी तक कोई सोचा नहीं है कि आपसे कोई कॉस्ट लें या कोई पेड बेंच शुरू करें। काफ़ी सारे जो ऐप वाले हैं उनके फ़ोन भी आते हैं, लेकिन मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया। मैंने बोल दिया मेरे को फ्री ही पढ़ाना है, कोई कॉस्ट नहीं लेना। अब कॉस्ट यही है, अगर आप माने, गुरु दक्षिणा माने, जो भी माने, आप क्लासों को शेयर कर दीजिएगा, क्लासों को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे लिए यही 2000-4000 यही आपकी फ़ीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और अच्छे से पढ़िएगा। हेल्प आपकी, देखो टीचर का एक कर्तव्य होता है अपने शिष्य का, अपने स्टूडेंट का आगे, उनको आगे बढ़ाना या उनकी हेल्प करना। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगा। जैसे अगर आप बोलते हैं मेरे को साइंस वाले, मैंने नोट्स बना रखे थे, PDF बना रखी थी, लेकिन बाई चांस पता नहीं कहाँ पर चली गई, हो सकता है मेरे से डिलीट हो गई है, मैंने लैपटॉप में जाके देखा, लैपटॉप में नहीं मिली, फ़ोन में, मेरे पास 2 फ़ोन हैं, दोनों फ़ोनों में मैंने चेक कर ली, नहीं मिली, अब मेरे को पुनः बनानी पड़ेगी, तो मेरे को लग सकता है 2-4 दिन लगेंगे, वो कॉपी वापस निकालनी पड़ेगी और कॉपी से वापस PDF बनानी पड़ेगी 10 चैप्टर के, तो काफ़ी टाइम लगेगा मेरे को। तो मैं आपको 2-4 दिन में उपलब्ध कराऊँगा, कोशिश करूँगा कि फास्ट काम करके आपको उपलब्ध करवा दी जाए साइंस की PDF। और ये है ना, शॉर्टकट कोई नहीं है सफलता का, अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल से करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डेली क्लास लीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, अब देखिएगा। और पता है आपको, हिंदी का एक तरफ आपका व्याकरण चल रहा है, और वो तो सुबह 9 बजे क्लास आती है हिंदी व्याकरण के, शाम को हमारी 8:15 पर डेली क्लास आती है मैथ्स की, तो दोनों क्लास अच्छे से लीजिएगा। इसके बाद में देखेंगे, अगर हिंदी का व्याकरण कंप्लीट हो जाता है तो कोई और सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करें या वैसे कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपने पढ़ भी लिया होगा, क्वेश्चन ये है कि कुछ त्रिभुजों की भुजा नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए इसमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको चेक करना है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। अब आप
समकोण त्रिभुज कब बनता है, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री का एंगल होता है तो जैसे इसके सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये आप मानते हैं कि ये आधार होता है, ये आपके पास में लंब होता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 25। तो लिखेंगे आंसर, पहले का अपन आंसर करते हैं, दिया है कोई भी एक त्रिभुज बना लेते, इस पे ही चारों के चारों क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज आपने बना लिया, इसका नाम आपने रख दिया ए बी सी। अब दिया है, जैसे ए सी अपन मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। आधार आपने बी सी मान लिया, BC का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। वह आपके पास में AB, AB इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर है, कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो AB का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर रिजल्ट आपके पास में निकलेगा 576, कितना 576। यहाँ AC का स्क्वायर यहाँ पे ये लिख देते हैं, BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, यहाँ BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर कितना बनेगा, BC का स्क्वायर कितना है 49 प्लस में 576 इज इक्वल टू 625, 625 है, ये किसके बराबर आ गया, ये AC के स्क्वायर के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, AC के स्क्वायर के बराबर आ गया, इसलिए लिखेंगे अतः AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर है। तो ये क्या है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है, पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं A B C, और इससे क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। यहां पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है, संतुष्ट हो रही है, इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आपको कर्ण बताना है, वह कर्ण इज इक्वल टू होगा ए सी इज इक्वल टू, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो ए सी है सबसे बड़ी भुजा, तो आपने ले लिया ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यही आपको बताना है, ए सी का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सभी में ऐसे ही चेक करना है आपको। सेकंड नंबर अब देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं एसी, यहां माना, माना यहां ऐसे लिख दो, माना यहां एसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर व बी सी 3 सेंटीमीटर है। ए सी का स्क्वायर कर देते हैं, कितना बनेगा 8 का स्क्वायर 64, ए बी का स्क्वायर 36 व बी सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तीन का स्क्वायर 9। अब जोड़ें ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस में 9, कितना बनेगा
45 और ये आ रहा है 64, तो बराबर नहीं है। अतः नहीं लिखोगे यहाँ AC का स्क्वायर नॉट इक्वल है AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। ये 45 और 64 कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या है? समकोण त्रिभुज नहीं है। थर्ड नंबर समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें कर्ण भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी भुजा माना, यहाँ AC इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर व BC इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यहाँ AC का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा? AC का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 होगा। AB का स्क्वायर 6400 होगा, 6400। और BC का स्क्वायर कितना होगा? 2500, 2500। अब देखते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है? AB का स्क्वायर 6400 है ना, 6400 प्लस में 2500 जोड़ेंगे तो 009, 5 और 4 9 6 और 2 8, तो 8900 आ गया। 8900 बराबर नहीं है 10,000 के, 10,000 के बराबर है। तो लिखोगे यहाँ AC का स्क्वायर बराबर नहीं है BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, थोड़ा तिरछा लिख देना, नॉट इक्वल है। इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज नहीं है। और समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें कर्ण भी नहीं होगी, यानी पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब लास्ट और फाइनल देखते हैं इसका, 4 नंबर। माना यहाँ AC का मान कितना है? सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर, AB का मान 12 सेंटीमीटर व BC का मान 5 सेंटीमीटर। AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। BC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। जोड़ दो, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस में 25 इज इक्वल टू 169। यहाँ AC, देखो 169 और 169 दोनों बराबर हैं, AC का स्क्वायर बराबर आ गया किसके? AB के स्क्वायर के प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ पे क्या है? पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है। इसलिए ऐसे लिख दो एक बात है, देखो चूंकि किस प्रकार से लगाते हैं, चूंकि दो बिंदी ऊपर एक नीचे, और इसलिए मैं ये दो ऊपर दो नीचे एक ऊपर, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण भी होगी, वह कर्ण इज इक्वल टू AC,
एसी है, एसी मानी आपने सबसे बड़ी पूजा, तो एसी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। अगर आप पाइथागोरस पर में सेटिस्फाई कर देते हैं तो वही क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें कर्ण आएगी, ठीक है, पाइथागोरस पर में सेटिस्फाई करनी चाहिए। इज दैट क्लियर, ये था आपका पहला क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो लीजिएगा सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहला आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, पढ़ लिया है। अब देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और बिंदु पी से आर क्यू या क्यू आर पे एक इस प्रकार से रेखा या एक लंब डाला जाता है पीएम, और ये इस पे क्या है 90 डिग्री का एंगल, लंब होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिखते हैं, दिया है क्या एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और पीएम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर या आर क्यू पे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, अब यहाँ पे प्रमेय यूज करेंगे 6.7 का, सिद्ध करना है पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर। अब देखते हैं यहाँ पे किसका स्क्वायर आ रहा है, पीएम का स्क्वायर आ रहा है, एक तो आ रहा है क्यूएम, एक आ रहा है एमआर, ये तीन साइड है। अब आपने देखा कि इस प्रकार से कोई समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पे यानी कर्ण पे एक एल्टीट्यूड लंब डाला जाता है, तो दो त्रिभुजों का निर्माण होता है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज पी क्यू आर के भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ये आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्रमेय 6.7 में, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, वैसे नहीं पढ़ते कि एक 6.1 की क्लास लगा ली फिर 6.5 की क्लास लगा ली, यानी ये एक तरीके से कंटिन्यू चलते हैं सारे के सारे चैप्टर हैं या क्वेश्चंस की बात करें तो। अब यहाँ पे देखो उपपत्ति, इसमें क्या करेंगे त्रिभुज पी एम आर व त्रिभुज पी एम आर व त्रिभुज पी एम क्यू में, दोनों में देखो एक तरीके से ये एंगल या पूरा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों आपने अच्छे से पढ़ रखा है, इस प्रकार की कंडीशन है, तो बार बार एक्सप्लेन करेंगे वो, पर मैं अपन यहां पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो लिखेंगे ये 90 डिग्री है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो त्रिभुज पी एम आर समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू के, पी एम क्यू के कौन से रूल से, एंगल एंगल से, और कहाँ से, परमेय 6.7 के, परमेय 6.7 से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ये एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, ये परमेय 6.7 से लिख सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है 90 डिग्री के। अब आप लिखेंगे एंगल एक दो, इसके काउंटिंग कर देना 1, 2, 3, 4, और ये एंगल 5 और ये एंगल आपका 6, एंगल एक प्लस में दो, एंगल एक प्लस में एंगल दो बराबर 90 डिग्री। आप लिखेंगे इन दोनों का योग 90 डिग्री है, ये वैसे 90 डिग्री है, ये तो दोनों में इक्वल हो गया, इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो बता दीजिएगा इन दोनों का योग भी कितना होगा, ये 90 डिग्री है पूरा, तो 6 और 1 का भी योग क्या होगा, एंगल 6 प्लस में एंगल 1 बराबर 90 डिग्री, दोनों बराबर करेंगे एंगल 1 से कट जाएगा, 6 और 2 बराबर हो जाएंगे, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे एंगल एंगल से, एक तो दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं, काफ़ी बार बता चुका हूँ लेकिन बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
अब देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वैसे एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो समरूप दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों को अलग अलग बनाए। देखो ये है, ये हमारे पास में एम आर पी, दोबारा एक और बना दें, ये 90 डिग्री है, ये एम, ये पी और ये क्यू, ये भी 90 डिग्री है। अब लिखेंगे, सबसे पहले आपने इस त्रिभुज की साइड लिख दी पी एम, अब इसकी साइड लिखनी है, इस त्रिभुज की साइड आपने पी एम लिख दी, तो अब इस त्रिभुज की कौन सी साइड लिखें? देखो ऊपर वाले की लिखी आपने, पहले वाले की, इसकी, ये एक नंबर त्रिभुज है, ये दो नंबर है, यहां पे ये एक नंबर है, यहां पे ये दो नंबर, समझिएगा थोड़ा सा, आपने क्या लिखा है पी एम लिख दिया। अब इसके नीचे दूसरे त्रिभुज की साइड, दूसरे त्रिभुज की साइड लिखनी है, जैसे ऊपर वाले की लिख दी, नीचे वाले की लिखनी है, तो ये लिख दीजिएगा आप, हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू एम आ रहा है। ओनली फॉर आपको साइड कौन सी देखनी है, ये साइड नहीं लेनी, न तो पी आर लेनी, ये नहीं लेनी है, यहाँ पे देखो एक आपको पी क्यू नहीं लेनी, ये काट दी, ये दो साइड तो लेनी नहीं है, बस इसी साइड ऊपर वाली दो साइड का अनुपात बताना है, नीचे वाली नहीं लेनी। तो आपने कौन सी ली है पी एम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एम क्यू या क्यू एम इज इक्वल टू, ये आपने ले लिया पी एम और इसकी ले ली क्यू एम। अब दूसरे त्रिभुज की साइड ऊपर वाले की आपने ले ली पी आर आर एम, और इस त्रिभुज की साइड देखो पहले ये ली, इसके बाद ये ले ली, दूसरी आपने ये ली है, तो दूसरी इसकी ये ले ले एम पी या पी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, वज्र और वज्र गुणा करेंगे तो पी एम और पी एम का मल्टीप्लाई पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम और इनटू आर एम एच पी, हैंस प्रूफ, यही लेके आना था क्यू एम और आर एम या एम आर पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, इज दैट क्लियर, समझ गए, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे वाले क्लासें कंटिन्यू लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, तीन नंबर है क्या? हाँ देखो तीन नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देखा है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया ए बी डी, जिसमें दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा भी, वह एसी परपेंडिकुलर है डीबी पे या बीडी पे, ये इस पे परपेंडिकुलर है, सिद्ध क्या करना है, तीन बात सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है पहली कंडीशन क्या, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट सी डी, सेकेंड बी सी और बी डी, ये है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी, थर्ड नंबर कंडीशन ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी, बी डी डॉट सी डी। आप जानते हैं अच्छे से उपपत्ति, देखो पहली कंडीशन है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर यानी पूरे बड़े वाले त्रिभुज के साथ में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, कौन से रूल से, एंगल एंगल से और कौन सी परमेय, परमेय 6.7 से, परमेय 6.7 से हो जाएगा, दोनों त्रिभुज एंगल एंगल से समरूप होंगे और परमेय 6.7 के अकॉर्डिंग होंगे। अगर ये समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो पहले आपने बड़े वाले त्रिभुज की साइड ले ली ए बी, ए बी, अब आपको छोटे वाले त्रिभुज की साइड लेनी है, तो छोटे वाले त्रिभुज की साइड अगर आप ये ले रहे हैं बी सी, तो बी सी लीजिएगा इज इक्वल टू, अब बड़े त्रिभुज की साइड आपको लेनी है बी डी,
क्या लेनी है? बीडी। अब छोटे त्रिभुज की साइड, छोटे त्रिभुज की साइड लेंगे आप एबी, इज इक्वल टू क्या बन गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू बीडी, बीसी इंटू बीडी, ये एचपी हो गया, हंस प्रू हो गया, बीसी इंटू बीडी। सेकंड नंबर के नीचे त्रिभुज एसी है, बीसी है, बीडी है, छोटे वाले दोनों ही छोटे वाले आपस में समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए सी डी के, कौन से रूल से? एंगल एंगल से और परमेय 6.7 से, परमेय 6.7 से, पीछे जाके देखना ही पड़ेगा अगर नहीं देखा तो। अब देखो, अब आपने यहां पे किया त्रिभुज एक और दो को समरूप किया था, सेम कंडीशन वहीं पे ये रहेगी, दोनों एसी में उभयनिष्ठ है, तो पहले आप नीचे वाले या ऊपर वाले, ये एक नंबर त्रिभुज हो गया, ये दो नंबर त्रिभुज हो गया, तो आपने लिख दिया एसी इस त्रिभुज की साइड है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में बीसी, बीसी इज इक्वल टू ऊपर वाले त्रिभुज के ऊपर वाले त्रिभुज की साइड लिखेंगे बीडी या डीसी अपॉन में नीचे वाले त्रिभुज की साइड है एसी, तो रिजल्ट क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी डॉट डीसी, बीसी डॉट डीसी, ये है एचपी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी डॉट डीसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी डॉट डीसी, ये दोनों आपने समरूप कर दिए एंगल एंगल से। तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है हमारे पास में कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD और डॉट CD, AD का स्क्वायर, अब बड़े वाला त्रिभुज, त्रिभुज A B D समरूप है, समरूप है त्रिभुज कौन से के? A D C, कौन से रूल से? एंगल एंगल से और कौन सी परमेय से? परमेय 6.7 से, परमेय 6.7 से, दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात, फिर नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास में AD का स्क्वायर लेके आना है, AD का स्क्वायर लेके आना है, तो पहले आप बड़े वाले त्रिभुज की साइड लिख दिए AD, छोटे वाले त्रिभुज की साइड लिख दें DC या CD, DC या CD, फिर आप बड़े वाले त्रिभुज की साइड बड़े वाले त्रिभुज की साइड लिखेंगे कौन सी आ जाएगी? हाँ BD, ये वाली BD अपॉन में छोटे वाले त्रिभुज की साइड AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, BD इंटू CD, ये आपके पास में HP हो जाएगा, यही आपको लेके आना था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आज की क्लास में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक साथ में, ले लिया स्क्रीनशॉट कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ अब कितना यूज हो रहा है परमेय का, परमेय 6.7 6.7 6.7 अभी चल रही है, आगे भी आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, तो तीन क्वेश्चन तक ही आज अपन क्लास को रोकेंगे, आगे वाले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लग रही है तो सभी लाइक और शेयर करेंगे, दब के शेयर करेंगे ऐसे नहीं, और कमेंट करके भी बताना है कि कहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा, बड़ी मशक्क़त के साथ आपको क्लासें दी जा रही हैं, खुद तैयारी के लगे हुए हैं फिर भी आपको क्लासें दे रहे हैं, तो अच्छे से शेयर कीजिएगा क्लासों को। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।